नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए नया आदेश जारी किया है। एनजीटी ने कहा है कि दिल्ली में किसी भी नई डीजल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन न हो, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू भी न किया जाए। केंद्र और दिल्ली सरकार अपने विभाग के लिए भी डीजल गाड़ियां न खरीदे। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण डीजल गाड़ियां ही हैं। दिल्ली में नई डीजल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करने के आदेश सरकारी डिपार्टमेंट से शुरू होंगे। निजी गाड़ियों के मामले में ये शुरुआती तौर पर हमारा सुझाव है। गौरतलब है कि एनजीटी इसी साल अप्रैल से दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगा चुका है। दूसरी तरफ केजरीवाल के ऑड इवन नंबर फॉर्मूले पर भी एनजीटी ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये फॉर्मूला अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा, इससे पॉल्यूशन कम होने की संभावना कम है। एनजीटी ने कहा कि इस फॉर्मूले के मुताबिक तो लोग दो कारें खरीदने लग जाएंगे। उधर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के मामले में दिल्ली में डीजल कार के इस्तेमाल पर कंप्लीट बैन लगाए जाने के लिए पेटिशन दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा। बता दें कि दिल्ली में रजिस्टर्ड कारों में 23% डीजल से चलने वाली कारें हैं। पेट्रोल से चलने वाली कार के मुकाबले डीजल कार 7.5 गुना ज्यादा पीएम मैटर रिलीज करती हैं। ये इसकी लीगल लिमिट है और यही कारण है कि एनजीटी ने डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है।